अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कराची में तीन टेस्ट मैच की सीरीज का तीसरा आखिरी टेस्ट मैच जारी है। इट्स डे टू ऑफ द टेस्ट मैच। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 304 रन बनाए। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। 5 विकेटों के नुकसान पर 152 रन उन्होंने बना लिए। 5वीं विकेट बेन स्टोक्स की सूरत में गिरी, जो तीसरा रन लेने की तगड़ दौड़ में रन आउट होकर वापस लौटे पवेलियन। इस वक्त हैरी ब्रुक और बेन फोक्स क्रीज पर मौजूद हैं। हैरी ब्रुक की विकेट पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी तेज़ खेल रहे हैं इस वक्त भी हैरी ब्रुक, डिस्पाइट द फैक्ट कि दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही हैं। पाकिस्तान के लिए अभी तक अबरार अहमद ने 2 विकेट्स हासिल किए हैं और इस टेस्ट मैच में नुमान अली को टीम में शामिल किया गया, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए अब तक 2 विकेट्स हासिल किए हैं। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस का मुजाहरा कर रहे हैं नुमान अली। साथ साथ नुमान अली ने याद रहे 20 रन भी बनाए पाकिस्तान के लिए, वो वाइटल 20 रन थे डाउन द ऑर्डर। अगर हम स्कोर बोर्ड देखें पाकिस्तान का, तो पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए अजहर अली जो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उन्होंने 45 रन बनाए। बाबर आजम 78 रन बनाने में कामयाब हुए, जबकि साथ साथ आगा सलमान ने नीचे से आकर 56 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान 300 रन क्रॉस करने में कामयाब हुआ। नुमान अली ने डाउन द ऑर्डर 20 रन बनाए, विच हेल्प डेफिनेटली। और उसके साथ साथ पाकिस्तान बॉलर्स इस वक्त अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, स्पेशली दोनों स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। रजाक, आपसे डिस्कशन का आगाज करते हैं। बेहतर लग रही है पाकिस्तान की पोजीशन इस टेस्ट मैच में, जब आप पहले खेलते हैं और अपनी तरीके से खेलते हुए एक टारगेट सेट करते हैं तो आप दूसरी टीम को पकड़ सकते हैं, और यही करते हुए नजर आ रहा है पाकिस्तान। देखिए दानिश, सबसे पहले तो जिस तरह की पाकिस्तान पिच चाह रहा था वैसे पिच इनको मिल रही है। पिच में ब्रेक भी है और इफेक्टिबल ब्रेक है, और बॉल भी नीचे लो रह रहा है, और जिस तरह पाकिस्तान टॉस जीता और पहले बैटिंग करके 300 रन बनाए, तो ये बड़ा अच्छा एक टोटल है इस पिच पे। तो इस तरह की पिचेस अगर मुल्तान और रावलपिंडी में बनती तो पाकिस्तान के चांसेस बन सकते थे मैच जीतने के लिए। और बात फिर वही है स्पिनर की, और नुमान और अबरार बस दो स्पिनर के साथ पाकिस्तान खेल रही है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर एक टीम में सिर्फ एक बॉलर ही विकेट ले रहा हूँ या दो बॉलर विकेट ले रहे हो, तो ये कि सारा मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में है। जिस रन आउट हुआ बेन स्टोक उससे मैच वापस आया, और अच्छी बात ये है बेन स्टोक की, देखें वो रन आउट हुआ है और ये होती है कैप्टनसी की, उसने अपने दूसरे प्लेयर को बिल्कुल थम्स अप किया है कि आपने कोई ऐसी बात नहीं, अगर मैं रन आउट हो गया तो ऐसी बात नहीं है। तो हमारे क्या होती है, अगर हमारा कप्तान कोई आउट हो जाए तो वो फिर स्लैजिंग करने हुए और कुछ सिलेक्शन करने हुए जाते हैं, तो ये बड़ा प्लेयर्स के लिए बड़ा एक अंडर प्रेशर का मौका है। अब्दुल रजाक ने कहा कि सिर्फ दो स्पिनर्स पाकिस्तान खिला रहा है, तो सिकंदर क्या तीसरा स्पिनर भी खेल सकता था यहाँ पर कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए? नहीं देखो, खिलाने को तो वो बॉल तो उसे सलमान से भी करा सकते हैं ना, उसको बिल्कुल करा उसको कंसिडर किया जाता है ऑलराउंडर। दो रेगुलर खेलते हैं पक्के स्पेशलिस्ट, और एक ऐसा होता है कि जो आकर जैसे कि रूट आके एक आउट कर देता है। मगर मेरी सिर्फ ये है कि इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड, टेस्ट क्रिकेटर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सब कुछ है वहाँ पर, बड़े बड़े तनख्वाहों पे लोग हैं। दो टेस्ट मैचेस के बाद उनको पता चला कि पिच कैसे बनती है। बिल्कुल सही कह रहा है रजाक, ये ऐसी ही पिच तो शुरू से बननी चाहिए। अब मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि भाई न्यूजीलैंड आ रही है, अभी से आप प्लान कर लें कि आपके पास क्या अटैक है, आप कैसे खेलेंगे, उसके हिसाब से पिचेस बनाना है, अभी से शुरू करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पिच को पूरा शेव करने की, जिस तरह के आपने रावलपिंडी में किया। एक पिच बनाएं, यू आर द होम, यू वी आर प्लेइंग द होम सीरीज, हमारा राइट है कि हम किस किस्म की पिच बनाएं। अब आपको आइडिया हो गया है, आई होप सो, और अब आप जो है न्यूजीलैंड की तैयारी प्रॉपर तरीके से करें। अगर जिस तरह रजाक ने बोला, अगर हमने ये पिचेस सही बनाई होती इस किस्म की जैसे कि अब ये बनी हुई है, तो हो सकता है वो दो मैचेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता। आज भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा चांस है कि लीड लेके पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। या आप इस वक्त पाकिस्तान का अपर हैंड है, बेशक कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन आपको लगता है कि हम थोड़ी सी और बेहतर पोजीशन में आ सकते थे? थोड़ा सा और संभल के हमारा मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर खेलता तो हम और बेहतर स्कोर लगा सकते थे और इंग्लैंड को ज़्यादा प्रेशर में डाल सकते थे, जिस तरह उन्होंने पहले दो मैचेस में हमें प्रेशर में डाला।
दानिश, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। तो आपका कल गुजरा हुआ दिन है और आप 304 रन पर आउट हो गए हैं, ये हकीकत है। और कल जब सकलान मुश्ताक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो मैंने उनसे कहा कि आप एक अच्छा टॉस जीते हैं, लेकिन खाने के वक्फे से पहले जिस तरह एक्स टेस्ट कैप्टन अजहर अली आउट हुए, फिर उसके बाद चाय के वक्फे के बाद बाबर आजम जो है रन आउट हुए, ये दो ऐसी विकेट थी पाकिस्तान की जिन्होंने कॉस्ट किया टीम पाकिस्तान को। और फिर 50 रन बनाने के बाद जिस तरह सलमान अली आगा ने निकल कर खेलने की कोशिश की, ये वो चीज़ें थीं जो कि इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम को प्रॉब्लम करेंगी। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कल पाकिस्तान ने टॉस जीतकर 304 रन तो किए, मैंने पाकिस्तान को कभी इस तरह बैटिंग करते हुए टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखा, लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि कल ही इंग्लैंड ने अपनी इनिंग का आगाज़ कर दिया था, तो इस पिच के ऊपर आप जितना टाइम लेते, इंग्लैंड को जितना देर से बैटिंग कराते वो अच्छा होता। तो अच्छे हालात में इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही है और सारा गेम अब हैरी ब्रोक के ऊपर है, और बैन फॉक्स जिन्होंने बड़ी शानदार विकेट कीपिंग की है और उनको खिलाने का फैसला बिल्कुल इंग्लैंड का ठीक था, पहले दो टेस्ट मैचों में ऑलीपॉफ विकेट कीपिंग के करते हुए हमें दिखाई दिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से। लेकिन जो एक अहम नुक्ता है इस वक्त पाकिस्तान के लिए वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान ये 40वां ओवर डाल रहा है और 40 में से 31 ओवर जो है वो किए हैं अबरार और नोमान ने। तो इतनी लंबी बॉलिंग अगर आप इनसे कराएंगे तो थकावट का शिकार हो जाएंगे। अभी सेकेंड इनिंग में भी इन्होंने आकर बॉलिंग करनी है। तो आगा सलमान जिनको हम ऑलराउंडर कहते हैं, अब तक तो इस सीरीज़ में वो हमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए नहीं। और एक बात दानिश आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग बड़ी अहमियत की हामिल होगी। जिस तरह आपने मेंशन किया कि 304 रन हमने किए कि 50-60 रन ज़्यादा अगर हम करते तो अच्छे होते, इस टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और इंग्लैंड की टीम जो है वो जितना कम से कम पाकिस्तान को डेफिसिट देगी और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेगी वो पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में इंपॉर्टेंट होगी। तो अब देखना यह है कि ये पार्टनरशिप बड़ी अहमियत की हामिल। आलिया, जिस तरह चेस में होता है ना, आप एक चाल चलते हैं लेकिन आपके दिमाग में अगली 5-6 चालें होती हैं कि मैं ये चाल चलूंगा तो उसके बाद ये होगा। क्या आपको लगता है पाकिस्तान टीम भी थोड़ी और बेहतर प्लानिंग की जा सकती है? जैसे आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं, वही आया वाला सवाल कि जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप पिच को, कंडीशंस को देखते हुए लंबी से लंबी बारी खेलने की कोशिश करें ताकि आप प्रेशर में डाल सकें इंग्लिश टीम को। वही किया था उन्होंने आपके साथ पहले दो टेस्ट मैच। मेरा ख्याल है टॉस जीत के बैटिंग करने का तो जो फायदा होता है वो होता ही यही है कि आप पहली इनिंग कितना बड़ा स्कोर जो है लगा के दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लेके आते हैं, यही टैक्टिक्स होती है बेसिकली। और हमने डेफिनेटली लूज किया है, ये जो हमारा पॉइंट था उसकी वजह ये है कि हमारे जो बैटर्स थे वो काफी गिफ्टेड मुझे लग रहा था जिस तरीके से आउट हुए हैं कल। वो ये नहीं था कि सिर्फ वो बॉलर्स ने उनको आउट किया, मतलब वो बहुत आराम से विकेटें जो है वो जा रही थी, वो एडवांटेज हमने लूज किया। हमें यकीनी तौर पर, मिसाल के तौर पर, आगा सलमान ने अच्छा खेले, सस्ती बनाई और ठहर के खेल सकते थे। उससे ज्यादा बुरा जिस बॉल पर रिजवान आउट हुए हैं वो बहुत हैरान कन बात थी कि आप फुल टॉस को आप उस तरह मार रहे हैं, वो कंट्रोल में नहीं आपके, वही आप जा रहे हैं लेग साइड के ऊपर। और कोई भी प्लेयर, साउथ शकील का मुझे बहुत अफसोस हुआ उनके आउट होने का, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से वो खेलते चले आ रहे थे। और जिस तरह से ये रेहान जो बॉलर हैं उनकी गुगली पे उन्होंने राउंडेस्ट स्टंप जो है उनको आउट किया, इवेंचुअली काफी परेशान भी किया। हालांकि वो इतने ज्यादा थ्रेटनिंग मुझे वैसे रेहान नजर नहीं आ रहे, लेकिन ऑब्वियसली ये कंडीशन उनको सूट कर रही है। तो डिसअपॉइंटिंग था मेरा इस पे, खास तौर पे साउथ के आउट होने पे। तो बड़ी एक इनिंग जिसकी तवक्को की जा रही थी वो कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन जो है सवाए बाबर के कोई उस तरह से खेल नहीं सका। तो ये मगर इसके साथ साथ अगर आप इसका एक पॉजिटिव पहलू निकालना चाहें तो वो ये है कि ये पिच जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नजर आ रही है। ठीक है, पाकिस्तान आउट हुआ, पाकिस्तान ने तेज खेला जिसकी हम तवक्को कर रहे थे या जिसको हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमने ये प्रेशर डाला हुआ था कि अगर इंग्लैंड जो है वो 6-7 से खेल रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा शॉर्ट खेलें, खेलते हुए लड़के नजर आए। वही बार बार जो मैं बात करती हूँ कि एक्चुअली स्किल का फर्क आ जाता है, तो हमें चूंकि उस तरह आदत नहीं है, अब वो अगर ये अप्रोच आज डिवेलप करेंगे तो बाबर आजम की टीम शायद 1-1.5-2 साल के अंदर वहां तक पहुंचे। बिल्कुल आलिया, ये वही माइंडसेट वाली बात है, माइंडसेट फौरी चेंज नहीं हो जाता, उसको चेंज करने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। अब्दुल रजाक, हम आगा सलमान की बात कर रहे हैं या ये कह रहे थे वो एज एन ऑलराउंडर टीम में है लेकिन वो बॉलिंग में उनसे हम वो रिजल्ट ले नहीं पा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, वैल्यूएबल
56 रन्स हैं उनके डाउन दी ऑर्डर, बहुत फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को इन 56 रन्स का। हाँ, थोड़ा सा और माइंडसेट बेहतर, आउट हो गया, लंबा खेलने की कोशिश की जाए, ठीक है। पाकिस्तान को यहाँ छठी विकेट भी मिल गई है बेन फोक्स की सूरत में, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। बट आगा सलमान की यूटिलिटी हमें एटलीस्ट नज़र आ रही है, अनलाइक फहीम अशरफ जो कि ना बैट के साथ कुछ कर पा रहे हैं ना वो बॉलिंग कर पा रहे हैं। देखिए, आपने सही कहा कि आगा सलमान जो है अभी, अब देखिए डोमेस्टिक में उन्होंने काफ़ी आउट भी किया है और इवन के बड़े अच्छे बॉलर भी हैं, बैटिंग भी साथ अच्छी करते हैं। और मैं समझता हूँ प्लस पॉइंट जो पाकिस्तान के अगेंस्ट गया वो बाबर आजम का रन आउट हुआ, जो ये दोनों बड़ा अच्छा खेल रहे थे और ये पार्टनरशिप लगने के चांसेस थे, तो रन आउट होने की वजह से मैं समझता हूँ थोड़ा सा मैच जो है ना हमारे हाथ से निकला। उसके बाद जिस तरह आगा सलमान ने 50 रन किए, उसके बाद जिस तरह की उसने शॉट खेली है, तो वो नहीं मैं समझता खेलनी चाहिए इस लेवल पे आके। जब आप बिल्कुल सेट हो चुके होते हैं ना, आप एक जिम्मेदारी आप फील कर रहे हैं कि एक कप्तान रन आउट हो चुके हैं, उसके बाद सारी जिम्मेदारी आपके पास है, तो पता है उसके बाद कोई बैट्समैन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की शॉटें जो है वो मैं नहीं समझता कि टेस्ट क्रिकेट में होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रॉपर शॉटें खेलें और आगे निकल के जिस तरह स्टंप हुए हैं, तो ये बहुत ही रिलैक्स शॉट खेली उन्होंने जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान कम से कम 87 रन पाकिस्तान ने भी शॉट किए इस आउट होने की वजह से, ठीक है। फॉल्स अलार्म था ये, बेन फोक्स आउट नहीं हुए हैं रिव्यू लिया, लेकिन नॉट आउट होंगे यकीनी तौर पर। सिकंदर, हम सऊद शकील की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पिछले टेस्ट मैच में वो अच्छे निक में नज़र आ रहे थे, फिर आप अपना फोकस लूज़ करते हैं और पवेलियन वापस लौटते हैं, यहाँ से पता चलता है कि आप मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप किस तरह प्लानिंग करके अपने लिए और अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर कर सकते हैं, एंड ही हैज़ दी पोटेंशियल। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा खेला है और इसमें है पोटेंशियल, जो हमें मिडिल ऑर्डर में इश्यूज आ रहे हैं वो बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकता है बगैर किसी शक के। पहले मिडिल ऑर्डर में फवाद आलम थे, आके रन्स कर रहे थे मुसलसल, उन्होंने 300-400 भी किए थे वापसी के आने के बाद, मगर वो नहीं है टीम में, तो उनकी जगह ये भी उनको भी एक एडवांटेज लेफ्ट हैंड होने का भी है, तो ही लुक्स गुड। उनका भी दूसरा तीसरा मैच है, हमें उनको टाइम देना चाहिए, उनको और खिलाना चाहिए, और इट्स अ गुड थिंग कि वो पाकिस्तान से जो है सीरीज़ का शुरू करें, जो पिचेस हैं उनको सूट करती हैं, तो वो उनके लिए अच्छा होगा। बॉलर्स जो है ना जिन्होंने भी डेब्यू किया है उन बेचारों पे आई फील सॉरी, इब्रार के अलावा, इब्रार ने ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है, मगर जो बाकी बॉलर्स थे वो बेचारे इन पिचेस के बाद जो शुरू के दो पिचेस थी वो तो बहुत ही ऐसी मतलब है कि बॉलर्स के लिए ख़तरनाक थी कि वहाँ ना खेलते तो वो लोग अच्छा था। और मगर मैं सिलेक्शन पे ज़रूर बात करूँगा दानिश, कि जो लोग टीम के साथ इन्वॉल्व हैं, क्या उन्हें ये आइडिया नहीं था कि मोहम्मद अली इज़ नॉट अ टेस्ट मटीरियल, क्या उनको ये आइडिया नहीं था कि नोमान इज़ अ बेटर बॉलर इन सिचुएशंस के लिए, उनको इतनी देर में खिलाने का मुझे कुछ तुक समझ में नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं कि कौन है लड़का, वो कौन लोग हैं जो मिलकर ये टीम सेलेक्ट करते हैं, 11 जो फाइनल करते हैं। वहाँ सेलेक्टर तो कहेगा, वसीम तो कहेगा कि मैंने तो दिए हुए थे लड़के, उन्होंने खिलाई। राइट, हमारे एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के साथ साथ इंग्लिश टीम की पहली इनिंग्स भी जारी है और 5 विकेटों के नुकसान पे 163 रन उन्होंने बना लिया। स्टेडियम में तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, लेकिन साथ साथ हम ये बात भी कर रहे हैं कि अगली सीरीज जो पाकिस्तान की होने वाली है न्यूजीलैंड के साथ, उसमें पाकिस्तान को क्या चेंजेस करनी होंगी, क्या माइंड सेट चेंज करना होगा, पिचेस को बेहतर करना होगा, बेहतर टीम सेलेक्शन करनी होगी, या मसाइल काफ़ी सारे हैं एक्चुअली, कोई एक मसला नहीं है इस वक्त जो दरपेश है हमें। आपकी नज़र में क्या क्या चेंजेस होनी ज़रूरी है, नॉट जस्ट सिलेक्शन बट पिचेस भी, माइंडसेट भी, क्या कुछ चेंज किया जा सकता है पाकिस्तान की इस टीम में अगले 10 दिन में? दानिश, एकदम तो आप सब कुछ तब्दील नहीं कर सकते। कल चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से नेशनल स्टेडियम में मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे पूछा कि आपने फास्ट बॉलिंग में क्यों बदलाव नहीं लाए, एक एक करके आपके फास्ट बॉलर अलग होते चले गए टीम से, तो उन्होंने कहा कि आप मीर हमजा की बात कर रहे हैं, ज़रा आप देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो कितने मैच खेल रहे हैं। अब्बास के बारे में उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा देखिए वो फिट हैं या नहीं है, लेकिन दानिश जब आप इन लोगों से बात करें तो वो बोलेंगे भाई हमें खुद इन्होंने आराम कराया हुआ है कि आप मैच ना खेलें, तो ये बड़ी अजीब और गरीब सी गुफ्तगू है। और खिलाड़ियों को जो है वो कहते हैं कि अनफिट हैं, खिलाड़ियों को कहते हैं कि आप आराम कर लें। ऑन द अदर साइड जो सिचुएशन है वो ये है कि सिलेक्शन, बिल्कुल अब्दुलरज़ाक दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सिलेक्शन तो मेरिट के ऊपर हो ही नहीं रही। आप दो टेस्ट मैचों में आपने नोमान को नहीं खिलाया और नोमान ने जिस तरह यहाँ पर बॉलिंग की है उन्होंने बताया, उन्होंने दिखाया कि क्या वो ज़रूरत थे इस टीम की। और फिर उसके बाद अगर मैं ख़ासतौर पर रिजवान के हवाले से बात करना चाहूँ, मेरा ख्याल है उनके ऊपर बात ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पसंद ना
पसंद की और अपनों को नवाजने की, तो मेरा ख्याल है रिजवान इसकी सबसे प्राइम एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजवान को आप बिल्कुल उखाड़ कर बाहर रख दें, बात दरअसल ये सिचुएशन के हिसाब से आपको टीम को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर उनसे रन नहीं हो रहे, उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है वाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट में वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके पास एक और तजुर्बेकार विकेट कीपर बाहर बैठा हुआ है। आपने पहले टेस्ट मैच में 4 खिलाड़ियों को कैप दिया, आपने इस टेस्ट मैच में 4 तब्दीलियां की, वाई नॉट आप सरफराज के साथ गए? तो क्या आपको डर है कि सरफराज आ जाएंगे तो किसी की कुर्सी हिल जाएगी? ये वो चीज़ें हैं जो डेफिनेटली इस टीम की कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। अगर आप सही सिलेक्शन करेंगे, सही जगह पर सही लड़कों को खिलाएंगे तो ये सवाल नहीं उठेंगे। आप वसीम जूनियर को देख लें, कल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा कह रहे थे नेशनल स्टेडियम कराची में, वो नाराज भी हो रहे थे कि यार आप मुझे सवाल कर रहे हैं, जवाब भी देने दें। तो बात दरअसल ये, वो कह रहे थे कि जी आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हम फास्ट बॉलर को नहीं ला रहे हो, जो हमारे फास्ट बॉलर हैं वन फिट हो जा रहे थे, वो खुद ही जवाब दे रहे थे। वो कह रहे थे कि यार T20 क्रिकेट के खिलाड़ियों को जब हम टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे तो ऐसा ही होगा। तो अभी आपने वसीम जूनियर को खिलाया है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अंडर 10 फर्स्ट क्लास मैचेस आपने उनको डेब्यू करा दिया, सिकंदर बख्श साहब रो रहे हैं, दीवार से सर टकरा रहे हैं कि आपने किस बुनियाद पर मोहम्मद अली को जो है वो टेस्ट स्क्वाड में रख दिया है। तो ये वो चीज़ें हैं दानिश जो आपको नजर आ रही हैं। फिर वही सवाल मेरा कि आपने बोला बिल्कुल ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी सवाबदीद इख्तियार है, आपका होम ग्राउंड है, आपकी पिचेज हैं, आप जैसी भी पिच बनाएं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप बाहर जाकर फिर स्ट्रगल करेंगे? फिर हम यही सवाल करेंगे कि अपने मैदानों पर आप इस तरह की टेलर मेड सिचुएशन बैट्समैनों को बॉलर्स को दे रहे हैं। अबरार ने नो डाउट बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है, लेकिन फिर मेरा सवाल यही है कि आपने अपने बॉलर को थका दिया है, 2 बॉलर के साथ आप कैसे टेस्ट मैच खेल सकते हैं यार? बिल्कुल आलिया, ऐसा लगता है कि ऑप्शंस ही नहीं है पाकिस्तान के पास। सिकंदर बख्श से भी हम बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं मजबूरी है हमारी इनको खिलाना, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर हम रिजवान की बात करते हैं कि वो बारहा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हम कब तक यही बातें करते रहेंगे आलिया? क्या रिजवान अटूट अंग हो गए हैं? ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, फेजेज आते हैं पाकिस्तान टीम में जब कोई एक प्लेयर टीम में खेला जा रहा है परफॉर्म नहीं कर रहा है। आलिया, आलिया शायद अब हमारे साथ नहीं है, हम सिकंदर मैं आपकी तरफ भी आऊंगा रिजवान का सवाल लेकर, बट रजाक आपकी नज़र में क्या एक प्लेयर को इस हद तक मौका दिया जाना चाहिए कि वो शायद सेटल हो जाए, वो वाइट बॉल से तो खेल रहा है, शायद टेस्ट में ही परफॉर्म करना शुरू हो जाए? क्या पाकिस्तान टीम की बेहतरी है इस चीज़ में या सिर्फ एक एक फर्द की बेहतरी है? देखिए दानिश, सरफराज की अगर बात कर रहे हैं सारे, तो जितनी फिटनेस अभी वो फिट नज़र आ रहे हैं, शायद पहले नहीं थे फिट, और डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया, और ये कि अब बैड लक का हम क्या कहें, लोगों की सोच है, अगर हम कहते हैं कि जी ये मोमेंटम पाकिस्तान के फेवर में क्यों नहीं आ रहा, तो अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कि किस सोच की बिना पर आपने सरफराज को मैच नहीं खिलाया? हालांकि ये डिजर्व करते थे, उनको मौका देना चाहिए था। अगर आप इतनी देर से वो कैरी कर रहे हैं तो उनको ये डेफिनेटली ये टेस्ट मैच खिलाना चाहिए था। और बात ये फिर आ जाती है T20 की, अगर करते हैं इधर से आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, इधर टेस्ट मैच चल रहे हैं, प्लेयरों के फोकस वो ड्राफ्टिंग पे होंगे या टेस्ट मैच पे होंगे, अपनी परफॉर्मेंस पे होंगे, किस किस पे फोकस करें, तो सारी चीजें मिक्सअप हम करते जा रहे हैं। इधर अब रिजवान की अगर बात कर रहे हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनकी अगर सरफराज को आना चाहिए था। तो बात फिर वही है कि अभी T20 के भी ड्राफ्टिंग हुई है PSL के लिए, तो सारा फोकस उन पे होगा, सारा प्लेयरों। सिकंदर मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, आलिया एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुकी है, रिजवान से मुताल्लिक सवाल मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि आलिया कब तक टॉलरेट करते रहेंगे हम एक लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, वो लड़का जो भी है वो दूसरे फॉर्मेट्स में जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है लेकिन इस फॉर्मेट में वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये एक स्पॉट है जिसमें पाकिस्तान लैक कर रहा है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए किया जाना चाहिए प्रोफेशनली अगर आप उससे पूछें तो वो तो ऑब्वियसली जो आपके पास ऑप्शंस होती हैं उसमें जो बेहतरीन लोग होते हैं उनको आप सिलेक्ट करते हैं। इशू ये है कि हमारे यहाँ तो यानी कि कब्जा ग्रुप बन जाता है ना। सही बात है, जो आगे है बस वो ही आ गया। भाई आपके पास फॉर्मेट है, मेरी तो उम्र गुजर गई ये बात कहते कहते, बैठे हैं आपके पास हैं, बैठा है आपके पास हारिस है, दूसरे यंग प्लेयर्स बैठे हैं, तो आप उनको चांस दें, उनको ट्राई करें, कहाँ से कोई लिखवा के तो नहीं आता। पर इशू क्या है कि आपको पता है पावर प्लेयर जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब जिस तरह से रिजवान और बाबर आजम की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है और जिसकी वजह से वो सारी एक होल्ड है उनका, उसके बाद फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से दूसरे प्लेयर्स को इजाजत दें कि वो स्पेस दें। ये एक इशू है। आप देखें
प्लेयर हमारे अनफिट होता है तब वो फारिग हो जाता है, फिर उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो अभी आबिद अली की आप मिसाल ले लें, वो वापस आ गए, वो इतना अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, मगर स्टिल मुश्किल हो रही है कि दोबारा उनको। बिल्कुल ऐसे ही, सिकंदर किसी एक फर्द की टीम तो नहीं है ना, जैसे आलिया भी कह रही हैं कब्जा माफिया सा लगना शुरू हो गया है कि एक लड़का आ गया तो वो हिल नहीं रहा। मैं एक चीज अभी, याया आपने क्या बोला था कि रमीज क्या कह रहे हैं कि जो T20 के प्लेयर्स हैं उनको फर्स्ट क्लास नहीं, उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई आपके खिलाड़ी जो हैं खास तौर पर फास्ट बॉलर अनफिट हो रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि यार जब आप T20 क्रिकेट के बॉलर को टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा लंबी बॉलिंग करने का, तो फिर ऐसे ही नताई जाएंगे। इसके लिए मैं इनको माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट रमीज राजा को बोलने नहीं देते, वो कहते हैं एक मिनट मेरी बात सुनो। नहीं मैं यहाँ तो कह सकता हूँ ना, दानिश ना रोके तो दानिश इजाजत नहीं सर, बिल्कुल सर। मैंने पूरे इंग्लैंड की T20 का फर्स्ट क्लास का पूरा रिकॉर्ड निकाला, अगर कोई चाहे तो मुझसे ले सकता है कि T20 के प्लेयर उनके जिसमें जॉस बटलर है, मोइन है, ब्रुक्स है, हेल्स है, लिविंगस्टन है, मलान है, साउल्ट है, आदिल रशीद है, इन सब के मैंने फर्स्ट क्लास निकाले में सब ने जो है रन बैट्समैन चार हजारों रन किए हुए। विकेटों में की बात करते हैं, करण ने जो है 200 विकेटें ले चुका है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, आदिल रशीद 500 विकेटें ले चुका है, मोइन खान जो है मोइन अली जो है 390 विकेटें ले चुका है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, दे ऑल प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हमारे यहाँ वाहिद मुल्क है कि जहाँ का T20 का लड़का शादाब इस वक्त कहीं और खेल रहा है, इफ्तिखार कहीं और दुनिया में खेल रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में जो परफॉर्म कर रहा है, जो विकेटें ले रहा है, वो फर्स्ट क्लास सर्किट में भी हमें अब मुश्किल से नजर आ रहा है, बिकॉज उनको वहाँ भी नहीं खिलाया जा रहा ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके जी हम इस वजह से इस लड़के को खिला रहे हैं। आज के लिए जी इतना ही, पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है, लेट्स होप वी सेव आवरसेल्फ्स फ्रॉम अ क्लीन स्वीप। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।